हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सब कैसे हैं? अभी बजे है दोपहर के 3 और हम लोगों ने अपना लंच वगैरह कर लिया है और आज है वेडनेसडे। तो बस आज की पूरी डिटेलिंग मैंने बता दी, तो मैं भी अभी लंच करके आई हूँ, बताया मैंने। और ये टाइबेट मेरा 13 हो चुका है, पता नहीं क्यों। और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड देखेंगे क्या कर रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों लूडो खेल रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड जी हैं, जरा देखो उनके तरफ, तबीयत बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब है बोले। हेलो बोलो। हेलो। और ये मेरा बच्चा, सब यहाँ पे बैठ के लूडो खेल रहे हैं। ताई और दोनों लूडो खेलने में बिजी है और मैं आपसे बात करने में बिजी हूँ। और सुबह से थोड़ी डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि ऐसा मेरा वॉच टाइम को लेके मैं थोड़ी परेशान थी। बहुत मन बहुत भारी भारी सा हो रहा था। एक तो सब बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो चुके हैं मेरे, और मेरे बाद शुरू करके सब 1000 से भी ज़्यादा हो गए मेरे बढ़ नहीं रहे। और ऊपर से वॉच टाइम तो का इतना, मतलब बड़ा, इतना बड़ा रिलीज देख के तो दिमाग खराब हो जा रहा है। क्या करूँ क्या करूँ, मतलब मन इतना भारी भारी हो रहा था। तो थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही, थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बात की, थोड़ा बहुत अपने वाइटी फ्रेंड्स लोगों के साथ बात की, तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला। थोड़ा अपने हस्बैंड से बात की तो वो तो डांटने शुरू कर दिए, उल्टा पलटा क्यों बोलती रहती हो तुम। तो तब जाके थोड़ा सा मन मेरा थोड़ा हल्का हुआ और अपने बैक टू माई वर्क में, वर्क में आ गई। तो अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर लाइव, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूंगी और मिलती हूँ आपसे शाम को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम है तो अभी मैं पूजा वाजा करके आई हूँ, पूजा पाजा नहीं, सिर्फ पूजा ही करके आई हूँ, शाम की पूजा। और अभी चाय बन रही है, देखिए कितनी, मतलब कितनी टेस्टी टेस्टी चाय बन रही है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे दूध गर्म कर देते हैं। और सीजीत का मैंने शाम का टिफिन भी रेडी कर लिया, वो कॉर्नफ्लेक्स लेता है शाम को, उसको सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। और ये चाय की उबाल आ चुकी है तो मैंने थोड़ा सिम कर दिया, फिर से थोड़ा उबाल डाल रही हूँ, फिर से सिम कर दिया। मेरे ससुर जी हैं यानी मेरे बाबा हैं, जो अभी बैठ के चाय पी रहे हैं। उनको शाम को चाय पी के साथ टीवी चाहिए, तो शाम के चाय के साथ वो टीवी देख रहे हैं। और ये हैं मेरे साहबजादे, जो बैठ के वो भी सीरियल देख रहे हैं अपने दादाजी के साथ साथ। उनको भी अभी सीरियल का नशा चढ़ गया है, तो ये कोई बंगाली सीरियल हो रहा है जो वो लोग देख रहे हैं बस। और ये कौन है भाई? ये तो शायद मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूँ, गोलगप्पा सा टाइप की मैं, मेरे गोलगप्पे जैसे गाल के साथ मैं आ गई हूँ चाय लेके। और ये साथ में है बिस्कुट, जो मुझे चाहिए होता है। और मुझे चाय के साथ एक नहीं, दो तीन बिस्किट एक साथ चाहिए होता है। मैं बिस्किट खाती हूँ और चाय पीती हूँ, बिस्किट खाती हूँ चाय पीती हूँ। और देखिए कैसे ठूसा रही हूँ मुँह में, हमेशा ठूसती रहती हूँ, ठूसती रहती हूँ, ठूस ठूस के इतनी मोटी हो चुकी, जितना भी डांस कर लूँ, जितना भी जो कर लूँ, मोटी होना कभी कभी नहीं करती। तो पूरा का पूरा बिस्कुट मैंने मुँह पर डाल दिया है और अभी चाय पी रही हूँ। चाय पी लो पी लो पी लो, हाँ मुँह में इतने सारे बिस्किट है, फिर भी चाय पीनी होती है मुझे, तो पी लेती हूँ अच्छी तरह से। हाँ पी लिया, अभी जाके थोड़ा रिलैक्स है। तो चलिए, हेलो। तो अभी मैं खा रही हूँ, बोलिए बोलिए क्या खा रही हूँ। किसी ने मैसेज किया, देख रही थी तो सीरीज पढ़ाई करने बैठा था अभी, और पढ़ाई कर करके उठ के चला गया, बाथरूम गया है, अभी आता ही होगा। तो चाय वाय पी ली और पूजा वगैरह किया, फिर चाय पी ली। और अभी थोड़ा कपड़े वपड़े ठीक करना बाकी है। ये मेरा आंगना है जो बहुत बार देख चुके हैं आप, ये मेरा बैकग्राउंड है बहुत बार देख चुके हैं। और कपड़ा समेटना कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा कपड़े कपड़े कपड़े। एक वीडियो एडिटिंग बाकी है, वो कब करूंगी पता नहीं। तो बस यही काम है, खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ। हेलो जाबे, तुम्हें आमा के नहीं जाबे,
तो हम लोगों ने पढ़ाई की, मैंने कहा था कि मैं समोसा खा के बात करती हूँ, समोसा खा के ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद हमने पढ़ाई किया। और अभी मेरा बेबा क्या कर रहा है, ड्राइंग ड्राइंग कर रहा है, हिज फेवरेट सब्जेक्ट ड्राइंग, वही कर रहा है। और अभी जाके मैं रोटी बनाना है, ये कपड़े वगैरह है जो मुझे ठीक करनी है अभी, और ये सब ठीक करके मुझे बनानी है रोटी। और अभी इस ब्लॉग को मैं यही के लिए रखती हूँ, कल कंटिन्यू करूँगी, सोच रही हूँ वही थोड़ा घूम घूम के बात करने में मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी आदत है, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के बात करना, घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, और डांसिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो नेल पॉलिश कैसा है जरा बताइएगा। तो अभी मैं इसे अभी यही के लिए बंद करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल, क्योंकि अभी और दिखाने लायक कुछ भी नहीं है, और मुझे भी बनानी है रोटी। और रोटी बनाना आपको क्या दिखाऊँ, रोज रोज रात का कुकिंग कुछ भी नहीं है, सुबह दोपहर को जो हम लोगों ने आलू पोस्त और दाल बनाया था वही है बस। और दोपहर को हाँ मैंने आलू पोस्त बनाया था, पर मैंने रेसिपी शूट नहीं किया, सॉरी, क्योंकि अचानक से प्लान हो गया आलू पोस्त बनाने का, तो मैंने शूट नहीं किया। फिर नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी। और आप लोगों ने बताया नहीं स्पेक्स के साथ मैं कैसी लग रही हूँ, तो प्लीज 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 बताइएगा, जल्दी बताइएगा कि मैं स्पेक्स के साथ कैसी लग रही हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, नहीं थोड़ी देर बाद नहीं, मिलती हूँ आपसे कल, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे सुबह और आज है अभी थर्सडे, या अभी है थर्सडे। और मैं अभी क्या कर रही हूँ, आज हम लोग बनाएंगे पाँच मिसाली तरकारी। पाँच मिसाली तरकारी मतलब सब तरकारी के साथ, सब सब्जियों के साथ हम लोग एक सब्जी टाइप का बनाते हैं, सब तरह की तरकारियों के साथ हम एक सब्जी टाइप का, क्या बोल रही हूँ, एक ही बात बार बार घुमा के बोल रही हूँ, ऐसे ही करती रहती हूँ मैं। तो जितने भी सब्जी हैं सबको काट के हम लोग एक साथ बनाएंगे रोटी के साथ खाने के लिए। और सुबह को तो हमारी एक ही, हम लोग का ब्रेकफास्ट रोटी और उसके साथ एक सब्जी बनती है, बस वो तो बनती है आप लोगों को पता ही है। तो बस बन रही है, तो उसके लिए मैं अभी सीम काट रही हूँ। ये देखिए सीम, सीम को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सामने लौकी पड़ी हुई है उसको भी मुझे देना है, डालना है इसमें। तो बस जल्दी 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 मैं काट लेती हूँ, ये मैं काट रही हूँ सीम, तो जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ये देखिए। और उसके बाद मैं काटूँगी आलू, सीम के बाद अब मैं आलू काटने वाली हूँ, सीम ही काटी जा रही हूँ आलू की तरह। हाँ ये रही आलू काट रही हूँ और ये आलू काट रही हूँ, उसके बाद गाजर, सारे सब्जियों के साथ एक सब्जी बनेगी बस। ये है मेरी प्यारी प्यारी चाचू माँ, यानी मेरी सासू माँ, जो क्या करी है, ये देखिए सारी सब्जी मैंने काट के रख दी, सारी सब्जियाँ मैंने काटी है हाँ। और ये सासू माँ है जो सारी सब्जियों को प्रेशर कुकर में डाल रही है, इससे क्या होता है थोड़ा भाप दे दूंगी तो सब्जियाँ जल्दी नरम हो जाएंगी और सब जल्दी पक जाएगी सब्जी, ऐसे मेरी सासू माँ बोलती है। वो मैंने थोड़ा बहुत भाप दे लिया है, सीटी दे दी है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सीटी देती है, साथ साथ हम लोग खोल देते हैं इसका, नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए ऐसा दिख रहा है, तो ये तेल मैंने गरम कर दिया है और तेल पे अभी मैं डालूँगी पाँच फोड़न का छोका लगाऊंगी बस, और साथ में तेज पत्ता और मिर्ची ये डालूंगी और सब्जियाँ डालूंगी हल्दी और नमक, तो सब्जी मेरी बन जाएगी। ये पाँच फोड़न डाल दिया मैंने, अभी डालूंगी तेज पत्ता, देखिए हाँ देखा मैंने बोला था ना मैं तेज पत्ता डालूंगी, अभी डालूंगी मिर्ची, देखिए देखिए अभी मैं डालूंगी मिर्ची, डालो 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 कहाँ गई, हाँ ये मैंने डाल दिया। और अभी मैं डालूंगी सारी सब्जी, उसके साथ हल्दी नमक थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि हम लोग थोड़ा खाने में मीठा लेते हैं, ये हम लोगों को पसंद है। तो बस ये सब्जी बन चुकी मेरी, बन जा रही है मेरी, बाय बाय। ये सब्जी का टेक्सचर ऐसा बनता है और इतना टेस्टी बना था गाइस, इतना टेस्टी बना था, मतलब क्या करूँ, हेल्दी का हेल्दी और टेस्टी का टेस्टी दोनों एक साथ। देखिए घड़ी में अब बज रहे हैं 10 सुबह के, और मेरे जो ये साहबजादे हैं ये देखिए अभी अभी उठे हैं, उठ के ऐसे बैठे हुए हैं, उनका मूड अभी ठीक नहीं है, उनका मूड अभी ठीक करना पड़ेगा मुझे। वो अभी मुझे डिमांड कर रहे हैं कि टीवी में कौन सा चैनल उनको देना है, तो जो भी चैनल दे रही हूँ उस पर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनका मूड और भी बिगड़ जा रहा है, तो वैसे देख रहा है कैमरे की तरफ जैसे मुझे खा ही जाएगा अभी गुस्से से, देखिए किस तरह देख रहा है। थोड़ा व्हाइट व्हाइट आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके देन, मुझे देख तो पा रही है ना, और सॉरी यार, मैं सुबह को ब्रेकफास्ट बनाया उसके बाद में और बात ही नहीं की, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, थोड़ा बहुत मैंने अपने सीजीत को स्टडी करा क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, और मुझे आज फिर से क्लास में जाना है क्योंकि हमारा क्लास कुछ दिन ऑफ था, तो मैम आज फिर क्लास कराएंगे, तो
आज थर्सडे है तो आज मॉम फ्री क्लास करेंगे तो मुझे जाना है वहां पे, इसलिए मैंने सुबह को उसको स्टडी करवाया और अभी तो 4 बजने को चले हैं। देखिए 4 बजने को चले हैं और अभी मैं थोड़ी देर पहले लंच करके आई हूँ क्योंकि थर्सडे हो और मेरे हस्बैंड थर्सडे को काफी लेट हो जाते हैं शॉप से। अभी थोड़ी देर पहले 3:30 बजे से हस्बैंड आया तो मैंने लंच किया उसके, तभी मैंने लंच किया और अभी मैं खा रही हूँ ग्रेप्स। ग्रेप्स मुझे बहुत पसंद है। और मेरा आज हमारे कॉलोनी में स्पोर्ट्स हो रहे हैं बच्चों का, तो मेरे हस्बैंड अब मेरे बेटे को लेके गए हैं। काफी लेट हो चुका है, मेरे हस्बैंड सुबह को लेके जाने वाले थे उसको, लेकिन शॉप से आने में काफी लेट हो चुका है। तो अभी तो स्पोर्ट्स वगैरह नाम वगैरह ले लिया है, खेलेगा नहीं मेरा बेटा, बस देखने के लिए गया है। पता नहीं स्किन तो वाइटिश वाइटिश क्यों आ रहा है। तो एनीवे मुझे भी थोड़ा आराम करना है क्योंकि 6 बजे मुझे निकलना है। तो अभी इस ब्लॉग को मैं ये खत्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।